फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टेक्निकल ब्रांच में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि आप किस तरीके से अपने फ़ोन के डायलर में या कॉन्टैक्ट नंबर में आप अपने फ़ोटो को या किसी के भी फ़ोटो को कैसे एक क्लिक में सेव कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत लोग अपने फ़ोन के डायलर में और अपने कॉन्टैक्ट नंबर में अपने फ़ोटो को सेव रखते हैं और देखने में दोस्तों बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि एक क्लिक में आप अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर, फ़ोन के डायलर पैड पर और फ़ोन के कॉन्टैक्ट नंबर में अपने फ़ोटो को सेव कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों, यदि आपको ये सारी जानकारी चाहिए तो आप हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए, तो आप समझ जाइएगा कि किस तरीके से, कितनी आसानी से आप अपने फ़ोटो को सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा समय गंवाते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरा नाम है विनोद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक्निकल ब्रांच। इस ट्रिक को अपने फ़ोन में यूज करने के लिए सबसे पहले आपको इस वीडियो को यहां से करना होगा लाइक और यहां से दोस्तों आप शेयर कर दीजिएगा। और आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी के बगल में घंटी की बटन है, इस घंटी के बटन को आप दबा दीजिएगा और यहाँ पर ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर में दोस्तों आपको क्लिक करना होगा और उसके बाद में आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की ओर जाना है। नीचे की ओर जाने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स है, इस कमेंट बॉक्स में दोस्तों आपको एक कमेंट करना है, जैसे कि दोस्तों नाइस, ऑसम या आप अपना नाम लिख सकते हैं ताकि हमें पता चल जाए। और मैं आपके कमेंट को दोस्तों यहां से दोस्तों लाइक करता हूं और यहां से दोस्तों हट देता हूं। इस सारा काम करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, वहां से जाकर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। नहीं तो वीडियो के एंड में इस एप्लीकेशन का नाम भी बता दूंगा। उससे पहले दोस्तों आपको मैं एक चीज़ दिखा देना चाहता हूँ। ये देखिए दोस्तों मेरा डायलर है और ये देखिए दोस्तों मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। तो मैं सबसे पहले अपने डायलर वाले बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम डायलर वाले बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने दोस्तों, जैसे ही आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके जैसे डायलर वाले बटन को ओपन कीजिएगा तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे सेटअप का ऑप्शन आएगा तो आपको सिंपली सेटअप वाले बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर फोन ऐप के ऊपर में आना है और इस पर क्लिक कर देना है। और करने के बाद में यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट का दूसरा वाला ऑप्शन है इसके ऊपर में दोस्तों आपको क्लिक कर देना है और बैक हो जाना है। ठीक है दोस्तों, इतना काम आप कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे थ्री डॉट देखने को मिल रहा है, आप इस थ्री डॉट वाले बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे दोस्तों थ्री डॉट पे क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों सेटिंग का ऑप्शन है और यहाँ पर दोस्तों एक और ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन। यहाँ पर दोस्तों जो सेकेंड वाला ऑप्शन है इसके ऊपर में आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यदि आप डार्क थीम यानी कि अपने इस डिस्प्ले को डार्क थीम करना चाहते हैं तो इस बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। नहीं तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि डिस्प्ले के बैकग्राउंड में फ़ोटो लगाना तो यहाँ से आप सिलेक्ट कीजिएगा। और आप चाहते हैं कॉल लॉग बैकग्राउंड में फ़ोटो लगाना तो इस बटन को सिलेक्ट कीजिएगा। यदि आप चाहते हैं कि कॉन्टैक्ट लिस्ट बैकग्राउंड में फ़ोटो लगाना तो दोस्तों आप यहां से सिलेक्ट कीजिएगा। यदि आप तीनों में फ़ोटो लगाना चाहते हैं तो सिंपली दोस्तों आपको करना क्या है कि सबसे पहले डायलर पैड बैकग्राउंड के ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कीजिएगा दोस्तों तो आपके सामने सवाल पूछता है सिलेक्ट पिक्चर फ्रॉम, यानी कि आप गैलरी से फ़ोटो लेना चाहते हैं तो आपको यहां पर गैलरी वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों गैलरी वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं यहां से दोस्तों आपको यहां पर आपका गैलरी वाला बटन फ़ोटो खुल कर आ जाएगा सामने। फ़ोटो पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको यहां से कोई एक फ़ोटो ले लेना है। मान लीजिए दोस्तों मैं यहाँ से एक फ़ोटो ले लेता हूँ तो आप अपनी मर्ज़ी से फ़ोटो ले लीजिएगा। मैं इस फ़ोटो को क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों हम इस फ़ोटो पर क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर क्रॉप फ़ोटो करने का ऑप्शन आता है तो यहाँ पर हम क्रॉप वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। और करने के बाद में यहाँ से हम अपने तरीके से क्रॉप कर लेंगे कि हम कितना बड़ा इस फ़ोटो को रखना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैंने एक क्रॉप कर लिया। करने के बाद यहाँ पर डन का ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ से हम सिंपली डन कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा डिस्प्ले बैकग्राउंड में दोस्तों फ़ोटो लग गया। उसके बाद दोस्तों कॉल लॉक बैकग्राउंड, यानी हम इसमें भी फ़ोटो लगाना चाहते हैं तो सेम हम इसके ऊपर में क्लिक करेंगे। करने के बाद में इसी तरीके से गैलरी वाले बटन पर क्लिक करेंगे, फिर फ़ोटो पर क्लिक करेंगे। करने के बाद में यहाँ से दोस्तों हम कोई एक फ़ोटो ले लेंगे जो हमें पसंद होगा। मान लीजिए दोस्तों हम यहाँ से भी कोई एक फ़ोटो आपको लेकर दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों मैं फिर उसके बाद क्रॉप का ऑप्शन आएगा। यहाँ से क्रॉप करने के लिए आप कोई भी अपनी एक फ़ोटो, आप अपनी फ़ोटो भी ले सकते हैं। मैं दिखाने के लिए फ़ोटो ले रहा हूँ, ये फ़ोटो को मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर डन वाले बटन पर दोस्तों मैंने इसको फिर से क्लिक कर दिया। देखिए दोस्तों ये जो हमारा सेकंड ऑप्शन था इस पर भी फ़ोटो लग गया। यदि हम चाहते हैं कॉन्टैक्ट लिस्ट बैकग्राउंड में फ़ोटो लगाना तो सेम यही प्रोसेस आपको करना है। गैलरी में जाना है,
फोटो पे क्लिक करना है। करने के बाद में यहाँ से दोस्तों कोई आपको एक फ़ोटो ले लेना है। तो मान लीजिए दोस्तों यहाँ से भी मैं कोई एक फ़ोटो लेकर आपको दिखा देता चाहता हूँ। मान लीजिए यहाँ से मैं कोई एक फ़ोटो ले लेता हूँ, मान लीजिए मैं इस फ़ोटो को ले लेता हूँ। लेने के बाद में क्रॉप का ऑप्शन आता है, मैं यहाँ से क्रॉप कर लेता हूँ और यहाँ से दोस्तों जितना बड़ा रखना चाहते हैं हम यहाँ पर अपना क्रॉप कर लेते हैं। यहाँ पर डन का ऑप्शन है, इस डन वाले बटन पर हम क्लिक कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों हमने तीनों जगह फ़ोटो को लगा दिया। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि फ़ोटो हमारा दिखाई कैसे देगा। ये देखिए दोस्तों जैसे ही हम अपने इस कॉन्टैक्ट यानी कि डायलर पैड को ओपन करते हैं, ये देखिए दोस्तों जैसे डायलर पैड को मैंने ओपन किया तो मैंने इस फ़ोटो को डायलर में लगाया था और इस फ़ोटो को कॉल लॉग में लगाया था। ये देखिए दोस्तों ये जो फ़ोटो है हमारा, यहाँ से हम दिखाते हैं, कॉल लॉग में लग गया, ये फ़ोटो हमारा डायलर में लग गया। अब हम आपको दिखाते हैं कॉन्टैक्ट लिस्ट, यानी जैसे ही हम ये कॉन्टैक्ट लिस्ट को हम ओपन करेंगे, ये देखिए दोस्तों जैसे ही हमने कॉन्टैक्ट लिस्ट को ओपन किया तो इस फोटो को मैंने कॉन्टैक्ट लिस्ट में लगाया था। तो ये जो हमारा फ़ोटो है यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिस्ट में शो हो रहा है। आप अपनी भी फ़ोटो को आप यहाँ पे लगा सकते हैं। मैंने सिर्फ दिखाने के लिए दूसरे का फ़ोटो लगाया है। यहाँ से आपका ये फ़ोटो शो होगा और आप यहाँ पर डायलर पैड को जैसे ही ओपन करेंगे तो ये देखिए दोस्तों डायलर पैड पर आपका डायलर पर ये फ़ोटो लगाया था और आपने कॉल लॉग पर मैंने ये फ़ोटो लगाया था। तो इसी तरीके से आप अपने डायलर पैड में ये सारा काम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से हमें ये सारा काम करना है। यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।